रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तांको मुंडरे केते बेले कौन चली थाए से कौन रणनीति प्रस्तुत करती ताहा केवल तांकु ही जना तांकर सबुठु निकटतर लोक मध्य ए विषय रे जानि नथांती। वर्तमान समग्र नाटो देश पुतिन को निशाना करथिबा बेले पुतिन भी केउ छाड़ीबा लोक जे मस्को रे एक नुआ चाल करिछंती पुतिन जीए लड़िबो सीए कोटिपति हेबो। नमस्कार मु तपन तेव चालन तो आरंभ करिबा हमर आजिरो स्पेशल रिपोर्ट। युक्रेन रूसिया युद्ध रे आरंभ हेबाकु जाउछि भीषण युद्ध। मस्को घोषणा करिछि जे जेऊ रूसिय सैनिक युक्रेन F-16 फाइटर जेट ध्वंस करिवे तांकु कोटिपति करा जीव। चिंतार विषय एहा जे युक्रेन को मिलिबाकु जाउछि 85टी F-16 फाइटर जेट आउ सही विमान गुड़ी को ध्वंस करबा पई एबे पुतिन सुपारी देबा आरंभ करिछंती। आसन देखिबा ए रिपोर्ट। खोजी खोजी मारो F-16 कोटिपति करिदेवे पुतिन। प्राय 900 दिनर युद्ध परे स्पष्ट होई सारिछि जे जे आकाश मार्ग रे विजय हेबो सीए ही एही युद्ध रे बाजी मारिबो। एयरफोर्स शक्ति को चूरमार करिबा पई सर्वदा पुतिन वार रूम रे निज सेना को निर्देश दिछथि। ए जाबत युक्रेन रूसिया रे जेतिक आक्रमण करिछि तन्मध्यरु 85% अटैक केवल अमेरिका और नाटो रु मिलिथिबा ड्रोन जोगे करिछि। सेपर मिसाइल और हमार्स भली रॉकेट सिस्टम जोगे मध्य जेलेंस्की सेना मस्को रे ध्वंसर संरचना करिछन्ति। एसबु भितरे वर्तमान युक्रेन को अमेरिका और नाटो रु F-16 फाइटर जेट मिलवाक जाऊ। विमान रूसिया भितर हजार किलोमीटर भितर को पशि आक्रमण कर रूसिया विरोध में F-16 को सिल्वर बुलेट बा रूपार बुलेट कह युक्रेन को युद्ध में बड़ सफलता आण। वर्तमान जेलेंस्की F-16 लड़ुआ विमान जोगे रूसिया उपर आक्रमण करने को जोरदार प्रस्तुति करतीपाई पुतिन रूसिया सेना को बड़ अफर देते जो मैंने F-16 लड़ुआ विमान को ध्वंस करेंगे सेमानकु कोटिपति कर दिया जाइबो। थरे नजर पकांतु कौन रही ऑफर। रूसिया सरकारी समाचार एजेंसी ताज मुताबक रूसिया सेना जदि युक्रेन F-16 लड़ुआ विमान को ध्वंस करदेव तेबे सेमानकु कोटिपति कर दिया जाइबो। गोटे F-16 फाइटर जेट ध्वंस कले 1,42,17,593 टंका मिलिबो। ठीक से परी रूसिया सैन्य जदि युक्रेन आडवांस ट्यांक जथा अमेरिकार अब्राहम ट्यांक ब्रिटेन रो चैलेंजर टैंक अथवा जर्मनी रो लापर टैंक को ध्वंस करती तेरे से टैंक पिछा 47,04,447 टंका मिल। एवं जाए युक्रेन नाटोर ड्रोन मिसाइल रॉकेट आदि रूसिया उपरे प्रति आक्रमण करुछि किंतु राष्ट्रपति जेलेंस्की गत 2 वर्ष धरी F-16 फाइटर जेट पर दावी करुछन्ती। यह द्वारा रूसिया सेना सहित कड़ा टक्कर दे हेबो बोली युक्रेन राष्ट्रपति भल भाव जानते। रूसिया पक्षर सुखई और मिग सीरीज्र घातक लड़ुआ विमान युक्रेन को छारखार कर गले रूसिया फाइटर जेट्रे मुकाबला युक्रेन आदम करना निकट में वाशिंगटन डीसी बस नाटो बैठक में युक्रेन को F-16 विमान जोगाई निष्पत्ति। खबर मुताबक केतक F-16 युक्रेन पहुंची सारी युक्रेन पायलट F-16 जोगे रूसिया उपर आक्रमण करने प्रस्तुत होती। आम आपको कह रखु युक्रेन को केउठु F-16 मिल सारी मिलवाक जाऊँगी। वर्तमान युक्रेन को डच और डानिश सरकार F-16 लड़ुआ विमान देतक F-16 युक्रेन पहुंचा नहीं दावी
दावी कर F-16 प्रथम पर्याय विमान यूक्रेन को खूब शीघ्र विधिवत भाव में मिलजिव द्रुत गति आगे चली ट्रांसपोर्ट प्रोसेस यूरोपीय देशगुड़िक मिलित भाव में यूक्रेन को 85 F-16 लड़ुआ विमान देवा जातीत नर्वे और बेल्जियम यूक्रेन को 50 अधिक F-16 फाइटर जेट देवा घोषणा कर तेरे 50 F-16 जेट यूक्रेन को 2028 सुधा मिल से नर्वे यूक्रेन को 22 F-16 देवा जा Продовжуємо роботу в Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 Петріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. НАТОРЕ ОЧОНТІ 32 ДЕСА किंतु चारिटी नाटो देश हेउछंती रूसिया रो जानी दुश्मन एही चारिटी देश एबे रूसिया को परास्त करिबा पई विभिन्न प्लान करूछंती केवल एतिके नुहे खूब शीघ्र ही देश गुड़िक यूक्रेन सहित मिसी रूसिया उपरे आक्रमण करिबा पई बिग स्ट्राटेजी आरंभ कर देइछंती आमे आपणको एहा बे कहुछु जे रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन F-16 ध्वंस करिवा पई कोन प्लान करिछन्ति किंतु ता पूर्वरु प्रथमे जानि नंतु जे नाटो रो केउ केउ देश मिलित भाबरे युक्रेन रो सहायता करिवा को चाहुछन्ति रूसिया रो चिर शत्रु चारि नाटो देश नाटो रे अछन्ति 32 देश किंतु नाटो रो चारोटि देश रूसिया को हराइबा पई करिछन्ति भीष्म प्रतिज्ञा एही चारोटि देश हेले अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन और जर्मनी अमेरिका विशेष भाव में रूसिया विरोध में F-16 और हाइमार्स रॉकेट मैदान को ओल्लाई F-16 जरिया खूब शीघ्र यूक्रेन रूसिया भितर पशि आक्रमण करने को जापरी ब्रिटेन रूसिया विरोध में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ओल्लाई मिसाइल रूसिया भीषण आक्रमण करपरी जर्मनी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल जोगे आक्रमण करुवा बेले मैदान में फ्रांस ओल्लाई सी चर तोप Мы это обязательно сделаем, мы добьемся этого, сомнений нет никаких. Вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные с тоже безопасностью. Это прежде всего, конечно, безопасность атомной электростанции Запорожской. Но то, что противник наносит удары, теперь же прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны. И, к сожалению, не привлекает внимания со стороны, как бы, тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживает сегодня. ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ F-16 ପୁରସ୍କାର ପାଅ 1,43,00,000 ରୁଷିଆର ବାୟୁସେନା ଆଗରେ ବିବସ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ରୁଷିଆ ସେନା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ F-16କୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରୁଷିଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେହି କାରଣରୁ ରୁଷିଆ ବିଶେଷ ଭାବରେ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ F-16କୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁଷିଆର କିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟାସ୍ ଅନୁସାରେ 16 ଜୁଲାଇରେ ରୁଷିଆ କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସେହିମାନଙ୍କୁ 1,43,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯିଏ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ତୈଳ ଡ୍ରିଲିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଇଲିଆ ପୋଟାନିନ୍ ଏହି ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁଷୀୟ କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ F-16କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣା ଏକ ସମାରୋହରେ କରାଯାଇଛି ଇଲିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ F-16 ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି По всім летовищам, по місцях потенційного базування F-16, по безпосередньо по летовищах, для того, щоб їх пошкодити, по льотній інфраструктурі, ці удари вони не припиняються, ну, щонайменше останні 2 місяці, постійно. Добре, НАТО, Америка, якоїсь прокаре Росіяку пораст покорива паї, лагі причонти. আমি আপনার কহি রাখুছু যে জুলাই 2024 আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিরে নাটো শিখর সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে ইউক্রেন কু হারিবা কু দিয়া যাব না বলে সমস্ত ঘোষণা করেছিলেন এস রুষিয়া কু পরাস্ত করিবা পাই সমস্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল থরে দেখন্তু কেউ অস্ত্রগুড়িকর বলরে বলিয়ান হই নাটো এভাবে দাবি করুছে আমেরিকা ইউক্রেন কু অনেক F-16 ফাইটর জেট দেওয়া যাচ্ছে
দাবি করা যাচ্ছে যে এই বিমান রুশিয়ার অনেক ভিতরকু পশি আক্রমণ করিব। সেপরে আমেরিকা ইউক্রেনীয় পাইলটকু এই বিমান অপরেট করিবা পাই তালিম দেইছি। এহা ব্যতীত আমেরিকা নিজর টম হক বিমান মধ্য ইউক্রেনর যুদ্ধ ময়দান গোল্হাই সারিছি। চিন্তার বিষয় এহা যে আমেরিকা রুশিয়া উপরে আক্রমণ করিবা পাই জার্মানি মাটির ব্যবহার করুছি, ফলে জার্মানিরে টম হক মিসাইল মজুদ রখাযাইছি। এই মিসাইল রেঞ্জ হচ্ছে 1250-2550 কিলোমিটর। এই মিসাইল নিজ লক্ষ্য পর্যন্ত সিধাসড়ক যায় না, কিন্তু এহাকু মঝি রাস্তায় কোণসে আন্টি মিসাইল ডিফেন্স সিস্টম জরিয়ারে নষ্ট করা যাওয়া সহজ নুহে। এহাকু রুশিয়া বিরুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র কুহাযাউছি। অন্যপটে ব্রিটেনর নূয়া প্রধানমন্ত্রী স্টারমার রুশিয়া উপরে সিধাসড়ক যুদ্ধ করিবা পাই আহ্বান দেইছন্তি। ব্রিটেনর দাবি যে ইউক্রেন ইউকেরো স্টর্ম সাড়ো মিসাইল যোগে রুশিয়ারে 550 কিলোমিটর পর্যন্ত আক্রমণ করিপারিব। তবে এই মিসাইল জিপিএস, ইনার্সিয়াল নেভিগেশন, ইনফ্রারেড ও টর্পম মার্গদর্শিকা প্রণালী উপলব্ধ অছি। এহা তো লম্বা দূরগামী মিসাইল যাহাকু আকাশ মার্গরু তলকু ক্ষেপণ করিহেব। এই মিসাইল যোগে রুশিয়ার বিভিন্ন আড্ডাকু টার্গেট করা যাচ্ছে। 2023 হি ইউক্রেন স্টর্ম সাড়ো মিসাইল যোগে রুশিয়া উপরে আক্রমণ করুছি। অন্যপটে ফ্রান্স ইউক্রেনকু সিজর তোপ দেইছি। এহা রুশিয়া ভিতরে 42 কিলোমিটর পর্যন্ত পশি আক্রমণ করিপারিব। এহা স্বচালিত হাবিজর তোপ। এহা রুশিয়ার অনেক ক্ষতি ঘটাউছি। President Biden for his leadership and all the efforts to make our security cooperation full of strong actions. There are 23 strong agreements and there will be agreements with other countries. And we have a historically significant security agreement with the United States. All of these helped us obtain the necessary air defense systems thanks to America and to all the partners, to all the leaders and your societies, your people, of course. এ পরিস্থিতি দেখে অনুমান করি হচ্ছে যে কাহিঁকি রুশিয়া নাটোর অস্ত্রশস্ত্র গুড়ি নষ্ট করা চাহুছি। বর্তমান F-16 হচ্ছে রুশিয়া পাই সবুঠ বড় কাল। বর্তমান কেবল ইউক্রেন নুহে, রুশিয়া নাটোর চারোটি দেশ সম্পূর্ণ ভাবে বরবাদ করা চাহুচার। এবার দেখা বাকি রইলা রুশিয়া নাটোর F-16 ফাইটর জেট্র কমিটি করব মুকাবিলা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 ওড়িয়া। এবে নেই যা এক ছোটিয়া ব্রেক। ব্রেক পরে দেখিবা কাহিঁকি টার্গেটরে ইমরান খান। ব্রেক পরে স্বাগত। পাকিস্তান রাজনীতি বড় বিচিত্র। দরদাম বৃদ্ধি দেশকু তলিতলান্ত করে সারি বেড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশকু সারা বিশ্বরে লজ্জিত করুছি। পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অড়ুয়া পুঁ থরে বড়িবাকু লাগিছি। বর্তমান সে জেলে বেড়ে তাঙ্ক দল পিটিআই এবে ব্যান হওয়া বসিছি। নির্বাচনরে চমকপ্রদ রেজল্ট দেইথিবা ইমরান খান দল এবে রাজনৈতিক চক্র বিহরে ফসি যাইছি। তেবে কোন সতরে পিটিআই খতম হইযিব? কাহিকি পাকিস্তান সরকারক টার্গেটরে অছন্তি ইমরান খান? আসুন দেখিবা এই রিপোর্ট। পাকি হুকুমত পিটিআই কো ব্যান করনে কে লিয়ে কেস মুভ করে, তরিকে ইনসাফ পে পাবন্দি লাগানে জা রহে হ্যায়। পাকিস্তান রে আরম্ভ রক্তাক্ত সংঘর্ষ, আতঙ্কবাদী আক্রমণ, জেনারেলঙ্କ প্রতিশোধ, ইমরানঙ্କ বেকরে আর্টিকল 6 খণ্ডা, মার্শাল ল'রু বি বঞ্চিবনি পাকিস্তান। পাকিস্তানে যেবে বি অস্থিরতা দেখা দেইছি, যেবে বি বোবাল হইছি, যেবে বি কোনসি নূয়া নেতা বাহারিছন্তি,
ସେତେବେଳେ ମାର୍ଶାଲ ଲକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଜେନେରାଲ ଅଘୋଷିତ ଆକା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ତାଙ୍କ ନିଶାନାରେ ରହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଯାହାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବେକରେ ଝୁଲୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 6ର ଖଣ୍ଡା। ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଏ ଇନ୍ସାଫ ବା ପିଟିଆଇ ପାର୍ଟି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରିଫ ଆଲଭି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି କାସିମ ସୁରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 6 ଧାରା 6। ଏହାରି ଆଧାରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଫାକି ହୁକୁମତ ପିଟିଆଇକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରନେ କେ ଲିଏ କେସ୍ ମୁଭ୍ କରେଗି, ତରିକେ ଇନ୍ସାଫ ପେ ପାବନ୍ଦି ଲଗାନେ ଯା ରହେ, କାନୁନୀ ଯୋ ସୁକମ ହେ ଇସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ କେ ଅନ୍ଦର ଉସକୋ ଦେଖତେ ହୁଏ हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला हुआ है। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाएगा। फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया है। मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील भी दायर की जाएगी। अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया, बानी पीटीआई और पाकिस्तान साथ नहीं चलते, हुकूमत प्रोपेगेंडा करने वालों के पासपोर्ट ब्लॉक करेगी। अता तारल की जानिब से ये भी कहा गया। ये तो गला पाकिस्तान सेना रो षडयंत्र। इबे जानंतु ए जनरल को निर्देश रे परिचालित आतंकवादी को प्रकृत खेल। ए दुईट चित्र गोटे देश रो बर्बादी को प्रतिबंधित करबा पई जथेष्ट। ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିଂସ୍ରକ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଲାହୋରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋହାଲ୍ଲା କଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଚିନ୍ନା ହାଉସ୍କୁ ବି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କରିଦେଲେ ପିଟିଆଇ ସମର୍ଥକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ମେ 9 ତାରିଖର ସେହି ଘଟଣାକୁ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେରୋରିଜିମ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନିର ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ସେହି ଚେତାବନୀକୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ସେନା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳ ପିଟିଆଇକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ସେନା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ତା ପରର ପରିଣାମ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଣା ଅଛି। पाकिस्तान में तो जमहूरियत है नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान में कोई भी काम जमहूरियत के तहत नहीं होता। इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है और उसके बढ़ने की वजह यह नहीं है कि इमरान खान के पास कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्लान है या वो मुल्क को निकाल सकता है इस दलदल से जिसमें इकोनॉमिकली पाकिस्तान फंस चुका है, बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों की जो ये चला रहे हैं और मरियम नवाज के साथ ये जो पाकिस्तान को चला रहे हैं जिस तरीके से, उससे लोग सहमत नहीं हैं। और मौलाना फजल रहमान और इमरान खान का जो अब गठजोड़ हो रहा है, जो दोनों के मुखालिफ थे लेकिन अब वो इकट्ठे इस सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाने जा रहे हैं, उससे सरकार बहुत घबराई हुई है पाकिस्तान की। और वो चाहते हैं कि किसी कीमत पे भी इमरान खान या उसकी पार्टी को जो है वो फ्री हैंड ना दिया जाए। यही वजह है कि वो एक केस में बरी हो गए थे, वो जो इद्दत वाला केस था, लेकिन उनको दूसरे केस में जेल से निकलने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करके तो जेल के अंदर बंद रखा है और अब उनकी पार्टी पे बैन लगाने की बात हो रही है। ये चीजें जो है ये और ज्यादा जो है एंटेगनाइज करेंगी, गुस्सा दिलाएंगी पाकिस्तान की अवाम को, और पाकिस्तान की अवाम जो है वो और ज्यादा इमरान खान की तरफ उनका झुकाव होगा। गत मासरे ही प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ नेशनल असेंबली रे पीटीआई को विरोधी दल भाव में स्वीकार करते, किंतु एक मास परे पाकिस्तान सरकार पीटीआई को बयान करने घोषणा कर शाहबाज सरकार दुर्बलता को पदारे पकई। अंपटे पाकिस्तान सरकार निष्पत्ति को विरोध करठाकर मानवाधिकार संगठन तेज पीटीआई को बयान करने निष्पत्ति गत सप्ताह सुप्रीमकोर्ट शुणी पर कहुई कोर्ट निष्पत्ति पीटीआई सपक्ष में जाता। यह सहित कोर्ट पीटीआई को एक राजनैतिक दल भाव मान्यता प्रदान करते।
किंतु यह विरोध में कोर्ट में चैलेंज करने पाकिस्तान सरकार निष्पत्ति लेती। पाकिस्तान आर्मी जो है वो अवाम की तवज्जो अब हटाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो है वो दोबारा उनको एक्टिव किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में 3 कैंप्स हैं और ये कैंप्स जो है इसमें हिजबुल्ला का एक नया कैंप जो है वो पीर चनासी रोड पर कायम किया गया है। मुजफ्फराबाद में एक कैंप जो है वो शिवाली नाले के ऊपर जो है वहां पे कायम है जैश मोहम्मद का, और एक शिवाली नाले से जरा ऊपर जो है वो लश्कर का कैंप है जो वहां पे अब एक्टिव हैं ये कैंप्स। और तकरीबन 800 के करीब जहादी जो है वो बताए जा रहे हैं इन कैंप्स में मौजूद हैं, जिनको तैयार किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो ओपनली ये सारा कुछ हो रहा है, मुजफ्फराबाद में हो रहा है, और ये जो है अवाम की तवज्जो जो है एक और फ्रंट की तरफ दिला के तो अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान को विरुद्ध 100 अधिक मामला अच्छी 350 अधिक दिन धरी इमरान खान रावलपिंडर आदियाला जेल रे अछंती। तीनोटी मामलें से निर्दोष सब्यस्त होती। दोषखाना मामलें इमरान को प्रथम 14 वर्षर सजा होता, यापर 24 एप्रिल 2024 इमरान दोषमुक्त हेले। सेपरी साइफर मामलें 10 वर्षर सजा, किंतु 3 जून 2024 से मामलें निर्दोष सब्यस्त हेले। इतत मामलें इमरान खान को होता 7 वर्षर जेल दंड, किंतु 13 जुलाई 2024 से यही मामलू भी दोषमुक्त होती। गोटे परे गोटे मामला इमरान खान दोषमुक्त होगा पर पाकिस्तान सरकार और सेनार निद हजी जाइं रास्तु हटेदेवाई हूँ पाकिस्तान सरकार और सेनार नुआ चाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पाकिस्तान राजनीति सेठाकर सेना द्वारा परिचालित, शाहबाज शरीफ मध्य होउछंती पाकिस्तान सेनार सखी कंडी। जेल थाई राजनीतिक हलचल करुथुबा इमरान खान को एबे रास्तारु हटाई देवाकु बड़ प्लान चली। आज स्पेशल रिपोर्ट रे एतिकी। नमस्कार।